ऑनलाइन ट्रेडर्स, अ वेरी वार्म वेलकम। सो आई एम सी तनिष मंगल। सो डिस्कस करते हैं कि मार्केट कैसा रह सकता है मंडे को और अपकमिंग डेज में। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा मैं, क्योंकि मैं गैंग के बारे में अब ज़्यादा रीड करने लगा। सो गैंग का एक टाइम साइकिल है कि एक टाइम साइकिल है, मैं आपको बताऊंगा वो टाइम साइकिल, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। माइनर ट्रेंड रिवर्सल, ऐसा नहीं कि मेजर ट्रेंड रिवर्सल, माइनर ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। कौन सी डेट है, किस डेट से किस डेट तक हो सकता है, एक एक चीज प्रूफ करेंगे हम चार्ट्स पे। ठीक है, हवा में कोई बातें नहीं होंगी, एक चीज को चार्ट्स पे प्रूफ करेंगे अपने। पहले डिस्कस करते हैं चार्ट्स प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, देन फिर प्राइस एक्शन से बढ़ के गैन की बात करेंगे अपने। ठीक है, सो जैसे कि बात कर रहा था 28th मई को अपना फुल मून था। ठीक है, फुल मून रिस्पेक्ट हुआ अभी तक अपने सब प्रॉफिट में। ठीक है, जो लोग फुल मून के बेसिस पे सौदा लेके रखे वो सब प्रॉफिट में। ठीक है, आपको रिकमेंड करूंगा मंडे को आप अपना जो है प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देना। अगर मंडे को मार्केट गैप अप हुआ, अगर मंडे को मार्केट गैप अप होता है तो पॉसिबिलिटी है वो गैप फिल होगा और रेड कैंडल बनाएगा। और वैसे भी हमने काफी टाइम से देखा है मंडे को जो है ब्लड बाथ होता है मार्केट्स में। ओके, सो अभी काफी टाइम से नहीं हो रहा था, पर अब चांसेस है कि मंडे को ब्लड बाथ देखने को मिले, या तो एक गैप अप होगा और रेड कैंडल में क्लोज होगा। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो गैप अप पे तो बाय करना नहीं है। अगर मंडे को गैप अप हुआ तो बाय नहीं करना, प्राइस एक्शन का वेट करना है। और मैं अब थोड़ा सेलिंग साइड देखूंगा। ठीक है, 15th जून तक मैं थोड़ा सेलिंग साइड देखूंगा मार्केट को, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं बाइंग साइड में। क्यों, उसका रीजन बताऊंगा मैं। ठीक है, सो डेली चार्ट में अगर आप कैंडल्स देखोगे, कैंडल्स तो रिजेक्शन मार रही नीचे साइड। ठीक है, कह लो कि दो दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, अब आते हैं हुआ क्या। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करूं, सो 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, सो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अब देख रहा हो, ऊपर गया, गैप, यहां पे गैप लगा हुआ है। ठीक है, यहां पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अगर ये टूटता है सबसे पहले तो गैप आएगा। ठीक है, सो हो सकता है गैप पे सपोर्ट ले ले, और अगर ये गैप भी टूटता है तो हम वापस से 15,470 के लेवल देख सकते हैं। ये लेवल वापस से टेस्ट हो सकता है। ठीक है, सो प्राइस ऊपर गया और हेड एंड शोल्डर बना रहा है, तो अगर ये लेवल टूटता है तो हम 15,470 के लेवल देख सकते हैं। ये जो है फ्राइडे का हाई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 15,733। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये सारे लेवल्स मार्क करते जाना अपने चार्ट्स पे। ठीक है, अब मैं क्या सोच रहा हूं कि अगर मान लो मंडे को नहीं भी गिरा। ठीक है, सो एज पर गैन टाइम साइकिल 10th जून से 15th जून तक मार्केट में माइनर ट्रेंड रिवर्सल आता है। फिर से 10th जून से 15th जून तक मार्केट में माइनर ट्रेंड रिवर्सल आता है। कुछ भी हवा में बातें नहीं होंगी, एक एक चीज को प्रूफ करेंगे। और प्लस 10th जून को अपना न्यू मून आ रहा है, और 10th जून को अगर न्यू मून आ रहा है, इसका मतलब ऐसे ही हम बोल देते हैं कि मार्केट ने टॉप बना दिया। तो दो चीजें कोइंसाइड कर रही है, एक ही जिसको हम बोल सकते हैं लेवल ऑफ कंफ्लक्सेस। ठीक है, सो 10th जून तक हो सकता है कि 10th जून तक मार्केट हाई बना दे, मार्केट टच कर सकता है 15,800, टच कर सकता है। ये नहीं बोल रहा कि नीचे गिरेगा, मंडे को एकदम गिर जाएगा, 15,470 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। प्राइस एक्शन के साथ साथ इन सारी चीजों को कंबाइन करेंगे हम। ठीक है, सो 10th जून को सबसे पहली बात तो अपना बन रहा है न्यू मून। ओके, तो चांसेस है कि प्राइस गिरेगा 10 जून को, और प्लस गैन साइकिल के अकॉर्डिंग 10th जून से 15th जून तक माइनर ट्रेंड रिवर्सल होता है। आओ देखते हैं अपने चार्ट्स पे 10th जून से 15 जून। एक बात क्लियर कर दूं, ट्रेंड रिवर्सल का मतलब यह नहीं है कि ऊपर साइड गया है तो नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब है ऊपर साइड गया है तो साइडवेज भी रह सकता है। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या हुआ, अगर ये ऊपर साइड जा रहा है तो ट्रेंड रिवर्सल मतलब अप ट्रेंड से साइडवेज हो गया। ठीक है, या फिर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो गया। ये नहीं है कि अप ट्रेंड से एकदम गिरेगा, ऐसा नहीं है। माइनर ट्रेंड रिवर्सल का मतलब है या तो साइडवेज हो जाएगा या तो थोड़ा फॉल आएगा। चलो आप प्रूफ करते हैं इसको। सो ये निफ्टी का डेली चार्ट। ओके,
मैं 2020 पे जा रहा हूं, 10 से 15 जून में क्या हुआ था? सी दिस इज 10th जून, अप ट्रेंड में चल रहा था स्टॉक, स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा था 10th जून से 15 जून तक, मार्केट यहां पे था 10th जून को, मैं देखता हूं 10th जून को मार्केट ने क्लोजिंग दिया था 10,116 और 15 जून को मार्केट ने क्लोजिंग दिया 9,813, ठीक है, माइनर चेंज इन ट्रेंड, पांच दिन तक ट्रेंड चेंज रहा। 2019 पे आता हूं अब मैं, टेंथ जून क्लोज क्या है, आप इधर देखना क्लोज, इस साइड देखना आप क्लोज, ओके सॉरी 10th जून क्लोज देखना, ओके सो क्लोजिंग इज 11,922। लेट सी 15th को क्या था, 15th जून को कितना क्लोजिंग था, 11,672 कितने से, 11,965 से, सॉरी 11,922 से 11,672, 300 पॉइंट का फॉल, ओके सिर्फ तीन दिन में, मतलब पांच दिन में। और देखते हैं 2018 में चलते हैं, 2018 में ओके सो 10th जून ओके 10th जून को मार्केट जो था अपना कितने पे क्लोजिंग दिया, 10,947, अप ट्रेंड में चल रहा था, और 15 जून को सॉरी ये इट्स जुलाई, सॉरी सो जून की बात कर रहे हैं, या दिस मंथ, सो 9-10 को हॉलिडे था, तो 11th जून की बात करते हैं, ओके 11th जून को क्लोज हुआ प्राइस 10,786 पे देखना, 10,786, और 15th जून को देखते अपने 15th जून, ठीक है 10,817, सो ये जो अपट्रेंड आया था, ये जो अपट्रेंड आया था प्राइस साइडवेज रहा, तो आप देख रहे हो माइनर चेंज इन ट्रेंड। और दिखाता हूं मैं, और एग्जांपल शेयर करता हूं, 2017 में चलते हैं, सो दिस इज 9th जून वाला कैंडल, ठीक है दिस इज 9th जून वाला कैंडल, 9th जून 10-11 को हॉलीडे था, तो 9th जून वाला कैंडल, ठीक है आप देखो क्या हुआ, 9th जून के बाद 12, 13, 14, 15 क्या गिरा मार्केट, चार गिरा मार्केट, ठीक है ट्रेंड जो चल रहा था अप ट्रेंड था, तो माइनर चेंज हुआ ट्रेंड में 10 से 15 जून तक। सो ऐसे ही आप और बैक टेस्ट कर सकते हो। So, अब जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको लिए तो बहुत बढ़िया चीज मिल गई, ठीक है सेल करो पर प्रॉपर रिस्क, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, तो अकॉर्डिंगली जो भी अगर लॉन्ग में है वो बुक करना चालू कर दे थोड़ा थोड़ा, ठीक है तो एक हिंट है, हिंट आपके लिए, लॉस नहीं करना, कमाना है तो जोर का कमाना है, लॉस करना बिल्कुल छोटा सा लॉस, ठीक है तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो कैसे ट्रेड लेना है। मैंने आपको एक हिंट दे दिया, 10 से 15 जून जो है इंपॉर्टेंट मार्केट टॉप बनाता है, ठीक है इसकी प्रोबेबिलिटी 100% ट्रू कुछ भी नहीं है, मैंने प्रूफ करके बताया चार्ट पे देखा के, ठीक है अब अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो और लॉन्ग पोजीशन बुक करना चालू कर दो, ठीक है बार बार बोल रहा हूं मैं, ओके सो आई होप ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, नई चीज मिली होगी, ठीक है मैं काफी टाइम से इसको ऑब्जर्व कर रहा था, तो क्योंकि अब डेट भी पास था 10 से 14 15 जून, तो मैंने कहा एक बार शेयर कर देना चाहिए। सो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, देन बात करते हैं अब लेवल्स की, ठीक है 15 मिनट्स में लेवल्स की बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है मुझे, गैप दिख रहा है, अगर ये गैप टूटा, ये गैप एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, गैप टूटेगा तो हम 15,470 के लेवल्स पे वापस आ जाएंगे, ठीक है बैंक निफ्टी ऑलरेडी साइन दे चुका है रिवर्सल के,
अगर आप देखोगे, हाँ एक चीज और बता दूं, हाँ ओके, सो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो है वो रिवर्सल का साइन दे चुका है। मैंने आपसे बोला था कि ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना, और आप देखो एग्जैक्टली फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को क्या हुआ, ठीक है, ये ऊपर साइड रिजेक्शन, ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस किया, ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस किया, और क्या फॉल आया, सब कुछ एक्सपेक्टेड रहता है, ठीक है, लेवल्स वर्क करते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, दो इंपॉर्टेंट लेवल लगे हुए हैं, तो कैसे लॉन्ग चले जाए, ठीक है, हमें शॉर्ट के लिए देखना है, ऊपर साइड रिजेक्शन पड़ रहा है, कैंडल्स की साइकोलॉजी, ठीक है, और देखो क्या फॉल आया, एग्जैक्टली वहीं पे जहां पे सपोर्ट मार्क किए थे वहीं तक फॉल आया है, ठीक है, और इसमें भी आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा इसमें भी आपको, तो अगर ये टूटता है तो एक फॉल आ सकता है नीचे साइड, ठीक है, सो बी कॉशियस, थोड़ा बेरिशनेस के साइन आ रहे हैं, ठीक है, बस कंफर्मेशन चाहिए, तो अकॉर्डिंगली देखते हैं 15 मिनट्स 5 मिनट्स में कैसी कैंडल्स बनेगी, कैसा प्राइस एक्शन होगा, फिर अकॉर्डिंगली शॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो एग्रेसिवली लॉन्ग मत करना। हाँ, जो स्कैल्पर्स हैं, स्कैल्पर्स वो जो 15-20 मिनट का मूव कैप्चर करते हैं वो कर सकते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है, लेकिन ओवरऑल हम बुलिश नहीं है, ठीक है, हम गलत भी हो सकते हैं, पर हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, हम ना ही तुरंत खुलते से लॉन्ग जाएंगे, ना ही 9:15 बजे शॉर्ट जाएंगे, हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, ठीक है। सो ये रहे निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑब्जर्वेशन। सो बात करते हैं इस स्टॉक्स की। सो टाटा मोटर्स जैसा एक्सपेक्टेड था, एक अप ट्रेंड में था, ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो जोर का मूव आएगा, तो आप देखो सब कुछ मार्क है, सब कुछ लेवल आपको दिए हुए थे, आप थर्सडे की नाइट का वीडियो रेफर कर सकते हो, ठीक है, बोला था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो मूव आएगा, और एग्जैक्टली ये लेवल मार्क्स थे, ये लेवल्स मार्क थे, तो यहीं पर ही आके क्यों रुका, साइकोलॉजी समझो चीजों की, यहीं पर ही आके क्यों रुका, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था यहां पे, ओके। सो टाटा मोटर्स ने बढ़िया मूव दिया, ऑरो फार्मा कोई मूव दिया नहीं, ये ट्रेंड लाइन टूटा पर साइडवेज ही रहा, इसको शॉर्ट कर सकते थे, पर कोई ऐसा जोर का मूव दिया नहीं। देन अपोलो टायर्स वही ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो रेंज में ट्रेड करता रहा, ठीक है, कोशिश दिया ब्रेकआउट देने की पर फॉल्स ब्रेकआउट रहा, दो बार कोशिश किया पर फॉल्स ब्रेकआउट रहा, क्योंकि मेरे से एक लेवल मिस हो गया था, मैं रीजन बताता हूं आपको क्यों मिस हो गया था, ये देखो ये एक लेवल लगा हुआ था यहां पे, ये अगर मैं इसको जूम इन करूं तो ये मुझसे मिस हो गया था, इसलिए वो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ये देखो यहां पे एक बहुत स्ट्रांग सेलिंग आया था, यहां पे बहुत स्ट्रांग सेलिंग आया था, और प्राइस देखो एग्जैक्टली इस लेवल पे आके गया वापस, देख रहा हूं लेवल की इंपॉर्टेंस, देख रहा हूं मुझसे एक लेवल मिस हो गया तो फॉल्स ब्रेकआउट तो हम गलत हो गए, तो लेवल्स का इंपॉर्टेंस देख रहा हूं, ये एग्जैक्टली इस लेवल पे आके प्राइस नीचे आया, ठीक है। सो डीएलएफ भी रेंज में ट्रेड करता रहा, लग रहा था ऊपर साइड टूटेगा तो जोर का मूव आएगा, टूटा नहीं तो कोई ट्रेड नहीं था, ठीक है। अब बात करते हैं कल कौन कौन से स्टॉक आप ट्रैक कर सकते हो। सो हैप्पीएस्ट माइंड जो है एक रेंज में ये भी कर रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, अगर इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर निकलता है वॉल्यूम के साथ कैंडल्स आती है, जोर का मूव एक्सपेक्टेड है हैप्पीएस्ट माइंड में, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टॉक है आपका आईजीएल, आईजीएल में भी सपोर्ट ले रहा है, यहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, ये जो कैंडल बनी है बहुत बढ़िया कैंडल बनी है ये वाली, और इसके बाद होल्ड कर रहा है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक और जोर का मूव एक्सपेक्टेड है, और अगर इसके नीचे जाता है तो यहां पे सपोर्ट फेस कर सकता है 5110 के लेवल के आसपास। देन नेक्स्ट स्टॉक है आपका बीपीसीएल, सो बीपीसीएल जो है एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट फेस कर रहा है, और एक ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है इसका, हाई फ्राइडे का हाई, ठीक है, तो अगर ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, वापस से ऊपर जाता है, तो हम ये वाला लेवल 487 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक है आपका रैमको सीमेंट्स, सो रैमको सीमेंट्स भी एक रेंज में फंसा हुआ है, हायर हाइज हाई लोज बना रहा है, तो अगर ये इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे 1014 के आसपास के लेवल का ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे सपोर्ट लगाए, तो सपोर्ट टूटेगा तो ये वाला लेवल पे जा सकता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ये चार स्टॉक आप ट्रैक कर सकते हो, रैमको सीमेंट्स, बीपीसीएल, आईजीएल एंड हैप्पीएस्ट माइंड। सो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सबको बेनिफिट मिल पाए, और थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।